कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मूर्ति स्थापना। बहुत ही अच्छा, बहुत विधायक आए और बहुत चले गए। हमारी बीएसपी पार्टी तक बहुत आए और चले गए, लेकिन जो भाई साहब ये कर रहे उमेश भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा, एससी के लिए भी मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा सोचा, लेकिन क्या 24 में जो है उमेश शर्मा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा दलित समाज? सब 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 सारा दलित इसके साथ ही भाई साहब की। बसपा के और जो भीम आर्मी वगैरह वो कुछ नहीं, हम इसके साथ है, जो हमारे लिए खड़ा हम उसके साथ, अन्य किसी के लिए नहीं है। एनजीपी तो आपके लिए खड़ी है, चंद्रशेखर आजाद भी तो वो यूपी में होगी, यहाँ नहीं है। क्या नाम भैया? आई सपोर्ट उमेश कुमार है, बता सागर सिंह। उमेश भाई को सपोर्ट कर रहे सभी ज्यादा से ज्यादा, उमेश भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जय भीम। तो दलित समाज क्या उमेश शर्मा के साथ है? यस भाई, सभी है। या लोकसभा में? यस। बदल गया चुनाव? बदल गया। जय भीम, जीता ही कादर। उमेश कुमार जो है ना बहुत बड़े आदमी में, कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोकसभा से जीता गया हम, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा जो है ना पहले लोकसभा उठाएंगे हम, पहले लोकसभा उठाएंगे। अगर कुमार को चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिलो या ना मिलो, चाहे वो निर्दलीय लड़े, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में उमेश कुमार की ही साथ दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुकाबले कोई भी कैंडिडेट नहीं है दूसरा जैसा में कार्य कर। आज दलित समाज ने ये कार्यक्रम करके जो है 2024 के लिए जो है पूरी वो दे दी तो पूरी। भैया देखो, उनको पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है दलित समाज का। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी वर्ग को सभी को हित ले रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज हम रुड़की में नगर निगम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है आज यहाँ पर जो है एससी समाज के लोग एकजुट हुए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर क्या माहौल है। मैं एक बार कहूँगा, जरा ये भीड़ दिखाने की कोशिश करें, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ उमड़ी है, जन सैलाब आप कह सकते हैं कि आज जो है एससी समाज का जो है यहाँ पर जो है जन सैलाब है। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो 2 वर्ष की लागत से आज यहाँ पर एक जो है संत शिरोमणि दास जी की जो है पेंटिंग का जो है स्थापना की जा रही है। बातचीत करेंगे जो लोग हैं उनसे, क्या ऊर्जा है? हाँ, वो ये सदगुरु रविदास महाराज जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति आज उत्तराखंड की देवभूमि पर स्थापित हो रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है। गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि सात संगत मिल रही है माधो जैसे मधुर मखीरा। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं उत्तराखंड की भूमि पर गुरु रविदास महाराज जी के घाट पर, ये सतगुरु रविदास महाराज जी को अपने नमन करने के लिए आ रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे उत्तराखंड में गुरु रविदास महाराज जी के घाट पर रुड़की में हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग आज यहाँ पर स्थापित हो रही है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, ये संगत मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रकट हुई है। मनुष्य अपने सदविचार से, सदाचार से, अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से बनता है, ये इसी का कारवा आप देख रहे हैं। बताइए कितनी खुशी है मन में आज इस कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत ही अतुल्य है, ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, ये भारत ही नहीं। जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी उमेश शर्मा, उनके माध्यम से कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आयोजन किया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? वे लोकसभा प्रत्याशी है ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो भी सदगुरु रविदास महाराज जी के दर पर पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ गुरु महाराज जी से कोई किसी प्रकार से ऐसी वो करता है तो सदगुरु रविदास महाराज ही नहीं बल्कि उनको पूरा। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। कहाँ से आए हो? तितोला से। तितोला से? तितोला कहाँ पड़ता है? ये लक्सर साइड। लक्सर साइड। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज मन में मूर्ति की स्थापना बताई जा रही है? बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, आज रविदास घाट पे ये मूर्ति स्थापित हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए, यहाँ पे जो निर्दलीय विधायक है वो बताए जा रही है कि इस कार्यक्रम के आयोजक उनके लिए क्या कहेंगे? वे बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो हमारे यहाँ से जीत के चले, वो हमारे दर से जीत रखे। हमारे यहाँ से जीत के? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कहाँ से आए? बेल्डी।
मूर्ति से बता क्या कहेंगे आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मूर्ति स्थापना। बहुत ही अच्छा, बहुत विधायक आए और बहुत चले गए। हमारी बीएसपी पार्टी तो बहुत आए और चले गए, लेकिन जो भाई साहब ये कर रहे हैं उमेश भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा, एससी के लिए भी मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा सोचा, लेकिन क्या 24 में जो है उमेश शर्मा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा दलित समाज? सब 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 सारा दलित इसके साथ ही भाई साहब की बसपा के और जो भीम आर्मी वगैरह वो खा कुछ नहीं, हम इसके साथ जो हमारे लिए खड़ा है उसके साथ, अन्य किसी के लिए नहीं है। एनजीबी तो आपके लिए खड़ी है, चंद्रशेखर आजाद भी तो वो यूपी में होगी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है उमेश। हाँ उमेश शर्मा बस। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, क्या नाम भैया? आई सपोर्ट उमेश कुमार है, बता दो क्या नाम? सागर सिंह। अच्छा कहाँ से आए हो? मुंडा लक्सर। लक्सर से आए हो, बोले अधिकांश लोग यहाँ पे लक्सर से ही है क्या? हाँ अधिकांश लोग लक्सर से ही है, अधिकांश लोग खानपुर के उमेश, खानपुर के विधायक के लिए अधिकांश भीड़ वहाँ की है। हाँ लक्सर की। अच्छा मुझे ये बताइए अभी जो है ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा प्रोग्राम बढ़िया है। अच्छा बढ़िया बात है भाई, करना चाहिए, समाज को वो मिलेगी, एकता का प्रतीक मिलेगा। अच्छा, ये इसका लाभ जो है लोकसभा के चुनाव में भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं वो तो पब्लिक के ऊपर बात है भाई, देखो आपके भी तो ऊपर बात है ना। हाँ हमारी तरफ तो फुल सपोर्ट है भाई, और जो लोग हैं उनका उनका तो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो कैसा दिमाग में सिचुएशन है उनकी। है भाई भी तो प्रत्याशी है ना, और भी भाजपा से भी आएगा, हो सकता है बसपा से भी आए, उसको कैसे देखेंगे? सबका अलग अलग नजरिया, अपने तरीके से देखेंगे सब, हम तो नजरिया को देंगे भाई। उमेश कुमार कुमार के साथ है ठीक है भाई, और लोग हैं और बात और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जो है झंडे लेकर भी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजन। कहाँ से? छापुर गांव से। छापुर से? छापुर से आए हो, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं आप लोग, क्या कितनी खुशी है मन में? बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा ये बताइए ये जो कार्यक्रम का जो आज मूर्ति स्थापना हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? बताया जा रहा है उमेश शर्मा जो कि खानपुर के विधायक, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी, क्या कहेंगे? उमेश भाई को सपोर्ट कर रहे हैं सभी ज्यादा से ज्यादा, उमेश भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जय भीम। तो दलित समाज क्या उमेश शर्मा के साथ है? यस भाई सभी है। या लोकसभा में? यस। बदल गया चुनाव? बदल गया। जय भीम। बताओ चंद्रशेखर आजाद भी है, बसपा भी है, फिर उनका क्या? चंद्रशेखर भाई अपना, उसके खिलाफ नहीं कोई जानेगा, ठीक है। जय भीम। अगर उसका प्रत्याशी आया तो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहो, चंद्रशेखर भाई अपना उसकी वो जान में मांगा, जान भी देंगे उसके लिए। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा के चुनाव में वो प्रधानमंत्री का भरेगा, लोकसभा का नहीं भरनेगा, ठीक है? लोकसभा के चुनाव तो आ रहे हैं ना हरिद्वार में, उसका नहीं भरनेगा, प्रधानमंत्री का भरेगा आने वाले, ठीक है। जय भीम। मोदी जी के सामने, मोदी के सब हाल दिन में बोलता। चलो और भी लोगों से बातचीत करें, क्या नाम है? सुन चीता ही कह दे। और भी लोग क्या क्या है? क्या नाम जी? मेरा नाम वंश। कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहोगे इसके बारे में? जी एकदम मस्त चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ रुक जा भाई। हाँ भाई बताओ भाई जी। जय भीम भाई सारा ने। बताओ भाई आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई कार्यक्रम जो है ना बहुत ही अच्छा चल रहा, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा, मजे वाला, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव भी है, जो यहाँ के खानपुर के प्रत्याशी उमेश शर्मा, उनके माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उमेश कुमार जो है ना बहुत बड़े आदमी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोकसभा से जीत गए हम, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा जो है ना पहले लोकसभा उठाएंगे हम, पहले लोकसभा उठाएंगे। हाँ अगर बसपा से आ गया या आपकी भीम बसपा से अगर कोई कैंडिडेट आ गया या फिर आपकी भीम आरबी से आ गया आजाद पार्टी से, या फिर और भी है कांग्रेस भी है और उसके अलावा जो है बीजेपी भी है, फिर आजाद पार्टी जो है ना फिलहाल युवा आदमी जो चंद से कर रहा है ना, युवा आदमी जहाँ भी संघर्ष हो, जहाँ भी कोई दिक्कत हो ना, चंद्रशेखर पहले पहुंच ला भाई। देख भाई चंद्रशेखर तो चाह रहा आपको, लेकिन यहाँ पे तो जो है उमेश शर्मा जो है नजर आ रहे। नहीं उमेश कुमार तो है, वो तो बीएसपी से लड़ेंगे ना, उनकी वाइफ कंफर्म हो गया करेंगे ना, तो विधायक का लड़ रहे हैं ना, क्लियर है भाई, कंफर्म हो गया भाई बीएसपी से, और बस फसे कंफर्म हो गया, क्लियर है भाई विधायक। तो उसे तो निष्कासित कर दिया था ना उनकी पत्नी को, सोनिया शर्मा को। ऐसा नहीं है, उनका पहले क्लियर हो चुका है, वो बसपा से क्लियर मतलब कि पहले वो सिर्फ दे दिया था, निष्कासित कर दिया था ना बसपा पार्टी ने। ऐसा नहीं है, सिर्फ अखवा है,
यहाँ पे जो भी है ना सबके सामने किया पापा। अरे अखवाए भाई अखवाए। दोबारा से फिर टिकट होने की संभावना बस? जी जी बहुत बहुत संभावना। ये बताओ, देखो उमेश कुमार को चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिलो या ना मिलो, चाहे वो निर्दलीय लड़े, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में उमेश कुमार की ही साथ दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुकाबले कोई भी कैंडिडेट नहीं है दूसरा जैसा वे कार्य करते हैं। आज दलित समाज ने ये कार्यक्रम करके जो है 2024 के लिए जो है पूरी वो दे दी पूरी। भैया देखो उनको पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है दलित समाज का। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी वर्ग को सभी को हितों ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिलहाल जो बिलाल ये कार्यक्रम हो रहा है, जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो सामाजिक कार्यक्रम है फिलहाल। इसे आपकी आपके आपकी सभा आपकी सभा आपके समाज की जो है वो भी आ रही है, गिन्नी भाई भी आ रही है, उसके बारे में क्या? देखो मैं आ रही, बहुत अच्छा उनका स्वागत है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय गायक है, हमारे समाज का नेतृत्व करती है, ठीक है। उनके आने से कहीं ना कहीं समाज को बल मिलेगा यहाँ पर। आज जो है समाज एकजुट है पूरा? देखो समाज एकजुट है, ऐसी कोई बात नहीं है, समाज तो एकजुट है, सामाजिक कार्यक्रम के लिए समाज बिल्कुल एकजुट है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज जो है यहाँ पर जो है दलित समाज के जो लोग थे उनसे हमने बातचीत की और जाना कि आखिर क्या माहौल है, किस तरह के थे वो जो है इस चोर को देख रहे हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मूल चैनल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।